नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है आयुर्मानव। आपसे माफी चाहता हूं, काफी लंबे समय बाद आपसे मुलाकात हो रही, लेकिन एक ऐसे टॉपिक के साथ में आया हूं जिस टॉपिक की डिमांड बहुत ज्यादा है और आने वाले भविष्य में इस टॉपिक से रिलेटेड पेशेंट्स मिलने वाले हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अभी देखने में जो आ रही है, मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रहा हूं कि पैरों में स्वेलिंग, चेहरे पे सूजन, ये बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है कई ओल्ड एज के व्यक्तियों को। तो ये होता क्यों है, बस इतना सा आप जान लीजिए, और क्या इसमें टेस्ट कराने आवश्यक हैं जिससे आप समय से पहले उसकी डायग्नोसिस करके एक डॉक्टर के पास जाकर के अपना ट्रीटमेंट प्लान करवा सकते हैं। देखिए, आपको पैरों में स्वेलिंग आने के मुख्यतः तीन चांसेस होते हैं। सबसे पहला, आपको रीनल प्रॉब्लम आपको आ रही है। रीनल प्रॉब्लम मींस किडनी पर फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, जिसमें क्रिएटिनिन और एल्ब्यूमिन का टेस्ट आपको कराना है, या फिर आप आरएफटी टेस्ट करा सकते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। उसको कराने से आपको अपनी किडनी की प्रोफाइल पूरी पता चल जाती है। दूसरा पॉइंट आता है, हार्ट के पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हार्ट के पेशेंट्स में क्या होता है कि हार्ट के पेशेंट का ब्लड जो होता है वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाता, और वो पैरों में या हमारे इंफ्रा ऑर्बिटल इसमें इन रीजन्स में भी कई बार स्टोर हो जाता है, और उसकी वजह से भी हमें फेशियल एडिमा और पैरों में प्रॉब्लम आती है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण भी हो सकता है, बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा, और साथ में हमारा ट्राइग्लिसराइड होते हैं। इनकी रिपोर्ट्स आपको करानी होती है, जिसको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के नाम से जाना जाता है, आप इसको करा सकते हैं। साथ में एक एलर्जिक रिस्पॉन्स भी होता है, फेशियल एडिमा का एलर्जिक रिस्पॉन्स भी होता है। कई प्रकार की एलर्जीज होती हैं, स्किन को एलर्जी हो सकती है, उस एलर्जी की वजह से भी हमारी फेशियल स्वेलिंग हमें आती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके और समय से पहले वो अपने रोगों का उपचार अपने डॉक्टर से करा सके। यदि आपको अन्य किसी प्रकार का कंसल्टेशन चाहिए या सलाह चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करें, अपनी समस्या लिखें और हमारे डॉक्टर्स आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। धन्यवाद।